तो दोस्तों, इंडिया की स्टॉक मार्केट में कितनी सारी ट्रेडिंग ऐप्स है। अब आप डीमैट अकाउंट खोलने से पहले ट्रेडिंग ऐप को देखना ज़रूर चाहेंगे कि वो लायक है या नहीं। कई लोग गेस्ट लॉगिन का इस्तेमाल करेंगे, कई लोग जाके चेक करेंगे, कई लोग रिव्यू देखेंगे। आज हम रेलीगेट डायनेमिक के बारे में बात करेंगे। रेलीगेट सिक्योरिटीज़ एक फुल सर्विस ब्रोकर है, डिस्काउंट प्लान भी देता है ये, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कैसी है पहले ये देखेंगे। मैं गेस्ट लॉगिन से देखूंगा, अगर ठीक लगा तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि अकाउंट खोलने के लायक है या नहीं, और खोलने के लायक है तो किस लेवल के ट्रेडर के लिए लायक है। एक एक करके फीचर देखेंगे, जितना गेस्ट लॉगिन प्रोवाइड करता है वो भी, और मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि अगर आप कोई भी ब्रोकर से अकाउंट खोलें उससे पहले अगर वो गेस्ट लॉगिन देता है अपनी ऐप में उसको चेकआउट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गेस्ट लॉगिन करके मैं इसके होम पेज पे आ गया हूँ, मार्केट्स पे ले आया है। मेन्यू में देखिए आपको मार्केट्स, वॉच लिस्ट, इन्वेस्ट इन ETFs, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, स्मार्ट इन्वेस्ट, पता नहीं क्या क्या काफ़ी चीज़ें देता है। ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, रिसर्च अगर आप चाहें तो वो भी। सबसे पहले हम होम पेज पे मार्केट्स पेज पे देखते हैं। ओवरव्यू दिया इसने मुझे, बताया कि कौन कौन से इंडिसेस हैं। मैं बैक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या मुझे स्क्रॉल करने देता है। मुझे ये स्क्रॉल करने ही नहीं दे रहा है। ओके, स्क्रॉल करने नहीं दे रहा है तो फिर क्यों है स्क्रोलर। मार्केट आउटलुक बता रहा है, सेक्टर परफॉर्मेंस, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़। तो बेसिकली मेरे को कुछ समझ नहीं आया है कि होम पेज में मैं क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाऊं यहाँ पे। मैं ट्रेडर की तरह सोचूं या एक इन्वेस्टर की तरह सोचूं। ओवरव्यू के अलावा मैं इक्विटी पे आ जाऊं तो इंडिसेस, अब थोड़ा क्लैरिटी है। ये होम पेज होता तो शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती, क्योंकि यहाँ पे इंडिसेस हैं, टॉप गेनर्स लूजर्स, जो जनरली मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग ऐप्स देखेंगे तो ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आज की तारीख में कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है, कौन टॉप गेनर है। हीट मैप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। ये स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, दैट्स द बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। FII एक्टिविटी, बल्क ब्लॉक डील्स इन द न्यूज़, कॉर्पोरेट एक्शंस, दिस इज योर होम पेज रेलीगेट। ये होना चाहिए होम पेज रादर देन सम ओवरव्यू व्हिच हैज़ लेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। नॉनदरलेस मैं यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक किया है, मेरे सामने चार्ट का एक बेसिक वर्जन खुल गया है। मेरे पास टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स थोड़ा डिटेल में आ गए हैं कि स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, प्लस एंड माइनस क्या है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैक्सिमाइज किया मैंने, अब मेरे सामने एडवांस चार्ट खुल गया है। मैं सेटिंग्स में गया हूँ, मेरे पास तीन तरह के चार्ट हैं, लाइन, एरिया और ग्राफ। मैं ग्राफ पे जाता हूँ। ओके, ग्राफ में मैं गया हूँ, वन डे, वन वीक, इसको मैं थोड़ा सा ओके सो ये कैंडलस्टिक चार्ट खुल गया है मेरा। अब द प्रॉब्लम इज़ कि मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा हूँ, ना पे यहाँ पे कोई टेक्निकल इंडिकेटर है, कोई ड्राइंग टूल, कोई ग्राफ, कोई सेव्ड व्यू, कुछ भी नहीं मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। सो दैट्स बिट ऑफ ए प्रॉब्लम। ऐसा क्यों रेलीगेट टीम? बिकॉज कोई भी बेसिक ऐप देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे आपको एडवांस चार्ट में काफ़ी एडवांस चीज़ें देखेंगी। ऑनेस्टली ये मुझे बेसिक चार्ट से भी पीछे दिख रहा है। तो फ्रॉम चार्टिंग पर्सपेक्टिव रेलीगेट डायनेमी हैज़ अ लॉट टू डू। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे मैं टैप किया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं वो मुझे दिखा रहा है कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। सेंसेक्स पे जाऊंगा, सिमिलर चीज़ें दिख जाएंगी, आप किसी एक स्टॉक को भी पिक कर सकते हैं। मैं एक स्टॉक के ओवरव्यू पे आ गया हूँ, मुझे ओपन, हाई, लो, क्लोज बता रहा है, ट्रेडिंग वैल्यू बता रहा है, ATP एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, देन अपर सर्किट लिमिट, लोअर सर्किट लिमिट राइट साइड पे दिखा रहा है। तो डेटा कुछ लेवल पे मेरे को दे दिया, मैं स्विच कर सकता हूँ BSE और NSE के लेवल पे। मार्केट डेप्थ जब तक आप लॉगिन नहीं, मतलब अकाउंट नहीं खोलेंगे तब तक नहीं देख सकते। न्यूज़ उस स्टॉक को लेके क्या चल रही है, पिछली न्यूज़ आई थी 20 मई को, कुछ दिन पहले जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टैप करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि फीड आ रही है न्यूज़ की, और उसके बाद आप सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। गो बैक, अभी तक मेरे को क्या पता लगा है, अभी तक मैं निफ्टी का पता कर चुका हूँ कि क्या हाई लेवल पे गेम चल रही है। एक स्टॉक का डिटेल पता लग गया है मेरे को कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन टेक्निकल लेवल पे या फंडामेंटल लेवल पे ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर पाया। ना ही मेरे को पता है कि स्टॉक में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके अलग अलग फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए या प्राइस चार्ट देखने के लिए मेरे पास चार्ट की इतनी हाई क्वालिटी है नहीं। द वे आई सी इट राइट नाउ विद रेलीगेट डायनेमी, ऑनेस्टली बहुत पीछे ऐप है ये। अज्यूमिंग कि मैं ये ऐप का सही वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने लेटेस्ट ऐप इंस्टॉल की है गूगल प्ले स्टोर से, एंड आई होपिंग दैट दिस इज़ द ऐप दैट दे आर नॉट मार्केटिंग, बिकॉज इफ इट इज़ द केस देन आई विश ऑल द बेस्ट टू द रेलीगेट डायनेमी क्लाइंट्स। एनीवे, बाकी फीचर्स देखते हैं।
मैं यहाँ पे सेट अलर्ट्स पे गया तो मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ। रिसर्च, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और ट्रेडिंग कॉल्स है मेरे पास, मतलब अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे को यहाँ पे, सिंस ये फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो मेरे को बताएगा कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक में मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या मेरा रेको प्राइस होना चाहिए, रिटर्न्स फ्रॉम लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड ऑल दैट। सो ये अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में होल्डिंग देखिए 9 से 12 महीने का अगर करना है, मीडियम टर्म 1 से 3 महीनों का, शॉर्ट टर्म स्विंग करना है तो 1 से 4 हफ्तों का, तो अलग अलग लेवल पे टिप्स हैं ये। आई होप ये अपनी लॉन्ग टर्म टिप्स को रेगुलरली अपडेट करते हैं, क्योंकि 20 तारीख से पहले पिछली टिप जो थी वो 11 तारीख को थी। मीडियम टर्म टिप्स 23/7/2021 के बाद से अपडेट नहीं हुई हैं, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर, एक साल हो चुका है इनको अपनी मीडियम टर्म की टिप्स को मार्केट में लाए हुए, अपनी ऐप में लाए हुए। एंड सिमिलरली इफ आई लुक एट शॉर्ट टर्म, तो उसमें भी मेरे को ये कम से कम 3 हफ्ते पहले टिप आई होगी इस ऐप में, तो ये थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का इशू है। लॉन्ग टर्म लेवल पे भी मेरे को गैप दिख रहा है, मीडियम टर्म लेवल पे तो साल का गैप लग रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, दैट्स व्हाट आई आस्क। सो ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है। ट्रेडिंग कॉल्स में मैं जाऊँगा तो मुझे कॉल्स नहीं दिखा रहा है, मुझे कह रहा है कि अकाउंट खोलिए, तो मैं कॉल्स दिखाता हूँ आपको। टूल्स के लेवल पे मार्जिन का मैट्रिक्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, लॉग इन एप्लीकेशन में तभी कर पाओगे अगर आप इसमें अकाउंट खोल चुके हो। तो दोस्तों कुछ खास है नहीं, हाँ रिसर्च में अगर आप जाओ तो गेट कोटेशन, अलर्ट सेट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, बाइंग सेलिंग करना है वो कर सकते हो। बिट ऑफ ए प्रॉब्लम दोस्तों, बिट ऑफ ए प्रॉब्लम, वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहे वो कर सकते हो, नहीं वॉच लिस्ट बनाया मैंने, अगर रिलीज टेस्ट सेव किया, वॉच लिस्ट एडिट सक्सेसफुली, अब मैं इसमें इस स्टॉक को ऐड करना चाहूँ तो जी हाँ, स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रेजेंट, ओके सॉरी, ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी है इसमें, तो अगर मैं वॉच लिस्ट देखना चाहूँगा तो ये प्री डिफाइंड नहीं, आई वुड वॉन्ट टू गो टू माई वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट तो मैंने बनाई है, देर यू गो, या हेयर इट इज़। तो जी हाँ, वॉच लिस्ट इज वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। अलर्ट्स भी आप सेटअप कर सकते हो, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट हाउ डू यू डू दैट। क्रिएट न्यू अलर्ट, मैंने टैप किया, मैंने पे स्टॉक पे क्लिक किया, प्राइस गोज अबव, लेट्स से अभी है 1455, अगर 1500 चला गया तो बता देना, 1400 से नीचे गया तो बता देना। वैलिड टेल मैं लेके चलता हूँ इस महीने के एंड तक, सेट अलर्ट किया, अलर्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब मैं जाता हूँ अपने होम पेज के मेन्यू में, माय अलर्ट्स में मेरे को इन्फोसिस के 2 अलर्ट सामने दिख रहे हैं। सो दिस इज़ फाइन, बेसिक फीचर्स आर प्रीटी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ दी फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी फॉर इन्वेस्टिंग, यहाँ पे थोड़ा लोचा है दोस्तों। ऑप्शन चेन भी मैं इसमें चेक नहीं कर पाऊंगा अनलेस आई ओपन दी अकाउंट। तो दोस्तों फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हम इसका एक डेमो कर रहे थे, ये पूरा ऐप रिव्यू नहीं है, तो फ्रॉम ए डेमो पर्सपेक्टिव ऑनेस्टली देयर आर क्वाइट अ फ्यू एरियाज रेलिगेट डायनेमिक टीम नीड्स टू वर्क अपॉन। ऐप में काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, मैंडेटरी ज़रूरत है, तो रेलिगेट डायनेमिक टीम यू नीड टू पुल अप सॉक्स, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन कुछ अलग लेवल पे पहुंच चुका है। तो इफ आई हैड टू ओपन दिस अकाउंट ऑनेस्टली आई माइट नॉट, बिकॉज द लेवल आई एम एट इन ट्रेडिंग, तो मैं कुछ अलग जोन में पहुंच चुका हूं फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इन द पास्ट। बट एक बिगनर लेवल इन्वेस्टर भी नहीं, ट्रेडर में भी, इसमें कुछ दिनों के लिए अगर यही ऐप रहने वाला है उसके पास, तो कुछ दिनों के लिए इसके साथ ट्रेड कर पाएगा। एक पॉइंट इन टाइम पे प्रोबेबली मूव आउट कर जाएगा, प्रोडक्ट चाहे कितना अच्छा हो, ब्रोकर चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है तो दोस्तों ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, रेलिगेट डायनेमिक के बारे में कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ना हमें कमेंट्स में, दैट विल हेल्प अस ए लॉट। अदर पीपल जो बाकी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स में जाके जब देखेंगे आपका एक्सपीरियंस, तो उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस कि रेलिगेट डायनेमिक को इस्तेमाल करते हुए आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।